यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या नहीं बल्कि गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होने वाली सपा ने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है और साथ ही साथ ये व्यंग कसा है कि इस बार चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, 2022 में तो बदलाव यूपी में आने जा रहा है। बता दें कि पहले ये बात उठ रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब आधिकारिक घोषणा की गई, जब यूपी में प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए, तो उस वक्त ये कहा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या नहीं बल्कि गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे। और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव की तरफ से एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया गया है। ऐसे में किस तरह से ये व्यंग अखिलेश यादव ने कसा है, ये बयान आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि एक ट्वीट करते हुए ये हमला अखिलेश यादव ने किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया। दरअसल इनको टिकट मिली नहीं है, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, हैशटैग 22 में बाइसिकल। तो ये ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है और साथ ही ये भी कहा है कि कभी कहा जाता था कि सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से लड़ेंगे तो कभी अयोध्या से, लेकिन अब बीजेपी वालों ने उन्हें वापस उनके घर भेजते हुए गोरखपुर का टिकट सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया है। क्योंकि बीजेपी भी जानती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार सरकार यूपी में बदलने जा रही है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि 2022 में बदलाव हो और इस बदलाव के साथ ही इस बार यूपी में बाइसिकल आने जा रही है। बता दें कि यूपी में अब विधानसभा चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, 7 चरणों में ये चुनाव करवाए जाएंगे और नतीजा 10 मार्च को सामने आने वाला है। लेकिन यूपी का चुनाव एक तरह से जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ बीजेपी है जो लगातार ये दावे कर रही है कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ की ही सरकार आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि इस बार जनता भी खुले आंखों से अपने मुख्यमंत्री को चुनेगी और जनता भी इस बार बदलाव चाहती है। और यही वजह है कि ये आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाए गए हैं कि जनता ने बदलाव के बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि बाइसिकल को चुना है। यानी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में वो आने जा रहे हैं और यही वजह है कि यूपी में बीजेपी ने अपनी वापसी की टिकट कटवा ली है। ऐसे में ये ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और साथ ही ये बता दिया है कि इस बार बाइसिकल ही यूपी में आने जा रही है। फिलहाल तो इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।